हेलो दोस्तों, मैं सागर सागर रोबोटिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहले क्या होता था, पहले के जो बच्चे थे छोटे, वो कुछ भी कार खेल लेते थे, जैसे कि धक्का मारने की, चाबी से चलाने की या कुछ भी खेल लेते थे। लेकिन आजकल के जो भी बच्चे हो चुके हैं, बड़े शैतान हो चुके हैं, उनको काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले खिलौने लगते हैं, जैसे कि सेल से चलने वाले, रिमोट से चलने वाले। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही कार बनाने वाले हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जो भी हम सेल के खिलौने लाते हैं, बनाते हैं, तो जो सेल है वो आजकल काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो ये जो कार है, इसके अंदर आपको कोई भी सेल नहीं डालने हैं, लेकिन ये फिर भी इलेक्ट्रिक कार है। तो ये कैसे चलेगी, कैसे वर्क करेगी और कैसे बनाई है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने डिटेल में दिखाया है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहो। तो ये जो अपना टूथपेस्ट का कैप रहता वो ले लिया मैंने, और उसके अंदर ये जो अपनी बाइसिकल साइकिल की जो तिल्ली रहती, स्पोक रहता, वो मैं लगा रहा हूँ एक्सल के लिए। उसके बाद एक ऐसा 2 रुपये वाला पेन ले लिया और उसके अंदर थोड़ा सा होल कर दिया। तो ये जो स्पोक है, ये आपको पुराना भी चल जाएगा, मैंने भी पुराना लिया है। और ये जो टूथपेस्ट की कैप है, इसकी जगह पे आप कोको कोला, थम्सअप, कोई भी बोतल की कैप ले सकते हो और एक काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है। तो वैसे ही मैं इधर से भी गर्म करके इसके अंदर लगा देता हूँ, तो एक गर्म करने के बाद प्लास्टिक के अंदर होल भी हो जाता है और मजबूती से चिपक भी जाता है। तो चलिए, इसका ये जो एक्सल वाला एक पार्ट है उसको बना लेते हैं। तो ये पूरा काफ़ी आसान है, और आपको बच्चे जो है ना, वो अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, आपके घर के पास छोटा बच्चा है, आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है, तो आप किसी को भी ये कार बना के दे सकते हो, या फिर अगर आप बनाना चाहते हो तो आप भी बना सकते हो। अगर आप छोटे हो तो आपको इसके लिए कुछ भी खर्चा नहीं आने वाला, फ्री में बन जाएगी। और इसकी खास बात यह है कि आप इसको दिन ब दिन कितनी भी चलाओ, इसकी बैटरी उतरेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर बैटरी डाली नहीं है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी अच्छे फीचर्स है, तो आप पूरी देख लेना। तो यहाँ से मैं टेप लगा लेता हूँ। ये टेप मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये जो एक्सल जो हमने डाला था अंदर की जो पेन की टुकड़ा, तो वो इधर उधर होगा, और ये जो टायर है हमारे वो इधर उधर चलेंगे तो ये काम नहीं करेगा, या फिर टेढ़ा मेढ़ा भागेगा, वैसा तो नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से वर्क करना चाहिए। तो मैं आपको जो भी कुछ दिखा रहा हूँ आप वैसे ही करते जाइएगा। तो इधर से भी वैसे मैं लगा लेता हूँ। तो देखो, मैंने दोनों तरफ से लगा लिए। अब ये जो टायर है इधर उधर नहीं होगे और फ्रीली घूमना चाहिए, वरना ये वर्क नहीं करेंगे। उसके बाद जो दूसरा टुकड़ा था वो ले लिया, और एक इस तरीके का गियर ले लिया, क्योंकि मोटर की हमें पावर बढ़ानी होगी। तो ये जो गियर है, ये मैंने ऐसा पुराना जो DVD प्लेयर में निकल जाता है उसका ले लिया है। तो ये आपको गियर कहीं भी मिल जाएगा, या फिर आप कोई भी दूसरा गियर जो भी आपके पास हो वो लेना चाहिए। उसके बाद आपको मोटर को छोटा गियर और ये बड़ा गियर ऐसे होने चाहिए। आप पुरानी कार में से भी निकाल सकते हो या कैसे भी निकालो, वो आपकी बात है, आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो देखो, उसके बाद आपको फिर से 2 वाला पिन जो आता है अपना, उसको ऐसे डाल देना है, और वैसे ही एक इधर से भी डाल देना है। ये जो भी मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये सभी पुरानी चीज़ों से बनी है, और उसके साथ साथ ये कुछ काम की भी नहीं थी चीज़ें, पूरी फेंकनी थी। ये जो बोतल कैप दिख रहे हो, ये खाली 2 वाला पेन, या फिर ये साइकिल की स्पोक हो, गियर, कुछ काम का नहीं था, तो उनका यूज़ करके ये कार बनाई है। सिर्फ आपको एक ही खर्चा आने वाला है कि वो जो सोलर पैनल है वो आपको लेना है, या फिर अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते तो क्या है, वो जो टॉर्च आती है, कुछ कंदील आता है, कुछ भी आता है चार्जिंग का, उसमें का भी सोलर आप निकाल सकते हो। तो देखो, इसको भी मैं लगा लेता हूँ। तो ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं एक गड्ढा भी कर लूंगा। तो मैं एक गड्ढा करता हूँ और उधर वाला जो चक्का है वो चिपका देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे एक गड्ढा कर लिया और यहाँ पे एक होल किया। तो ये होल क्यों किया है मैं आपको आगे बताता हूँ, ये काफी काम के लिए किया है। तो देखो, ये ऐसा हो चुका है पूरा फ्रीली, ये भी मूव कर रहा है। यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी फेविक्विक भी डाल सकते हो, एक एक बूंद। तो देखो, ये भी फ्रीली मूव कर रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको हॉट ग्लू से चिपका रहा हूँ। अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हो, काफी मजबूती से चिपक जाएगा। और हॉट ग्लू के गन नहीं है तो आप स्टिक ले आना, 10 रुपये की मिल जाती है, और लाइटर के ऊपर या फिर गैस के ऊपर हीट करके भी चिपका सकते हो। आपके पास चिपकाने के बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी चूज करो। देखो, ये ऐसा इधर भी फ्रीली मूव करना चाहिए, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको हॉट ग्लू लगा रहे हो तो लगा देना है, ताकि ये मजबूती से बने। क्योंकि क्या होता है, जो भी छोटे बच्चे हो, थोड़ा इधर उधर वैसे खेलने में कुछ टूटता है, पड़ता है, गिरता है, ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा मजबूत भी बनाना है। तो इसके लिए ये हॉट ग्लू लगा रहा हूँ जरा ज़्यादा। तो ये फ्रीली बन चुका है, देखो कितने अच्छे से घूम रहा है।
पे ऐसा ही फ्रीली घूमना चाहिए, वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो देखो उसके बाद ये मैंने भी पुरानी डीवीडी की ये मोटर है, लेकिन ये खराब हो चुकी थी। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और इसको पूरा रिपेयर किया है, तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर है, आप जाके देख सकते हो। तो ये गियर जो है वो भी वही मोटर पे ही आता है। तो देखो मैं इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो देखो भाई ये भी चिपक गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो गियर है दोनों आपस में कांटेक्ट करने चाहिए, और कांटेक्ट के साथ साथ और एक बात है कि ये दोनों ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, वरना ये अटकेगा और या फिर स्लिप होगा और ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको वो जरा एक बार ध्यान रख के देखना है। तो देखो मैंने बताया था आपको कि इस होल का पर्पज मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो ये इस तरीके का होल है कि इससे हम जो अगले वाले हमारे जो भी पहिए है दो लगने वाले, तो उसको घुमा सकोगे और वो घूमेंगे तो गाड़ी जो है वो वैसे टर्न करेगी, जो कि मैं आपको आगे टेस्टिंग में दिखाने वाला हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे एक नट लगा लेता हूँ और इसके ऊपर और एक बोल्ट लगा देते हैं। तो ये दो बोल्ट इसलिए लगाने हैं कि ये जब हिलाएंगे हम नीचे की पट्टियाँ तो ये निकल ना जाए। तो उसके बाद मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। तो आप जो ये स्क्रू ड्राइवर देख रहे हो ये मैंने फ्री में घर पे ही बनाया है, पूरा का पूरा टोटली होममेड है। इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, अपना जो सागर रोबोटिक्स चैनल है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो देखो ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे भी हॉट ग्लू लगा के जो अगला वाला एक्सल का पार्ट बनाया था उसको चिपका देते है। देखो ये चिपक चुका है, अब ये लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब चलते इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो ये है सोलर पैनल। तो ये ऑनलाइट कंपनी का, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो जो भी आपके पास हो। तो आपको सिंपली इनके जो दोनों वायर है ना वो यहाँ पे कनेक्ट कर देने, बस आपको प्लस माइनस देख लेना है। मोटर के ऊपर एक रेड और एक ब्लैक डॉट लगा हुआ होता है, तो रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला निगेटिव होता है। तो आपको वैसे वायरें लगा देनी है, अगर आप वायरें पलटा भी दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये वर्क करेगा, सिर्फ उल्टा घूमेगा। तो देखो मैंने दो वायरें कनेक्ट कर दी। आप यहाँ पे अगर स्विच लगाना चाहते हो तो लगाओ या फिर मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे भी इसको छाव में लाओगे तो ये बंद पड़ जाएगा और धूप में जैसे ये जाएगा अपने आप चालू हो जाएगा, या फिर सोलर के ऊपर कुछ भी रख देना कि अपने आप बंद हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक ऐसा पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया जिससे कि सोलर पैनल थोड़ा सा ऊपर रहे और मजबूती के साथ यहाँ पे लग जाए और कहीं पे गिर ना जाए और अच्छे से वर्क करे। तो यहाँ पे भी हॉट ग्लू लगा लेते हैं और इस पैनल को सिंपली यहाँ पे ऐसे चिपका देते हैं। तो अब हमारा ये जो कार था ये पूरा लगभग रेडी हो चुका है। इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सोलर की पावर से चलेगा। आप इसको दिन रात कैसे भी चला सकते हो, रात मतलब रात नहीं दोस्तों, सिर्फ दिन में ही चलेगा, क्योंकि सूरज रात में गायब हो जाता है तब ये नहीं चलेगे। तो इसके लिए आप इसको दिन भर चलाओ, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला, कुछ भी खराब नहीं होने वाला। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। देखो एक बार आप इसका लुक देख लो कितना अच्छा लग रहा है, ये वो जो रोवर रहता चांद के ऊपर चलने वाला वैसा ही सेम लग रहा है। ये काफी अच्छे से, इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ धूप के ऊपर चलता है। देखो यहाँ से सीधी वायर है मोटर पे जाइए। तो मैं इसको धूप में रख के आपको टेस्ट करवा देता हूँ कि ये कैसे घूम रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, कैसा है। तो देखो जैसे ही मैं धूप में ले जाता हूँ तो इसके जो चक्के थे वो घूमने लग गए, और जैसे ही मैं इसको पलटा देता हूँ या छाव डाल देता हूँ तो ये बंद हो जाता है। तो देखो अब इसको धूप के अंदर छोड़ के देखते हैं। देखो ये कितनी ज्यादा स्पीड के साथ भाग रहा है, देखो देखो ये इतनी ज्यादा स्पीड के देखो कितनी जोर से भाग रहा है भाई, ये एक नंबर भाग रहा है, मजा आ गया इसको बना के। तो देखो कितनी जोर में चल रहा है ये धूप के अंदर, और जैसे ही ज्यादा धूप है वो उतनी ज्यादा जोर के साथ चलेगा। देखो ये घूम रहे है पहिए, और जैसे ही मैं हाथ लाता हूँ तो ये बंद हो जाते हैं, जैसे ही इसके ऊपर धूप पड़नी चालू हो जाती है ये घूमने लग जाते हैं। काफी अच्छा वर्क कर रहा है और ये काफी अच्छे से स्टंट भी करती है। देखो मैं आपको अभी भी स्टंट दिखाने वाला हूँ और जो एक्सल था वो भी दिखाने वाला हूँ कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, इसको कैसे घुमा सकते हो। देखो ये है स्पीड ब्रेकर, देखो कितनी जोर से कूद गई, कितनी ज्यादा पावर है इसके अंदर आप देख सकते हो। देखो मैंने इसके जो अगले वाला पिछला जो
हमने जो रोटेट होने वाले टायर बनाए थे उसको रोटेट कर दिया है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप ऐसा छोड़ के रख सकते हो, ये अपने आप घूमता ही रहेगा, जब तक सूरज है तब तक ये घूमता ही रहेगा, ये नहीं रुकने वाला, कोई भी बैटरी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखो मैं आपको ये कैसे घूम रहा है वो भी बता देता हूँ, इसको इधर लाने दो, देखो ये घूमता ही रहेगा, चलता ही रहेगा शाम तक भी और जब तक रात नहीं होती तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। देखो ये जो मैकेनिज्म है आप ऐसे मोड़ के इसको छोड़ सकते हो जिससे कि ये ऐसा रोटेट करते लग जाए और ऐसा ही ये वर्क करेगा। तो दोस्तों आपको ये सोलर कार कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, उसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा दो और मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है उनको भी देख लो। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।